नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर की नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी पाक बॉर्डर, कश्मीर मुस्लिम्स हैं, इंडियन आर्मी, पीएम मोदी और बीच बीच में हिंदी में लिखा हुआ है टाइटल। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है राज धर्मा इनके वीडियो। आज कश्मीरी मुस्लिम से बात हो रही है तो किस मुद्दे पे बात हो रही है? और ये ख़ास थोड़ी सी पुरानी ओल्ड वीडियो है, इतनी भी नहीं, दो चार दिन पहले। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि ये वीडियो आप लाजमी देखिए और रिएक्ट कीजिए। तो चलिए फिर इस पर रिएक्ट करते हैं। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। फिलहाल मेरी उपस्थिति उरी कालगी में है। यहां से बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो केवल 12 किलोमीटर है। मैं कश्मीर में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे ये खूबसूरत वादियां जो हैं वो देख सकते हैं। इन पहाड़ों के ऊपर ऊपर तक जाइए, इन्होंने भाई साहब ने मुझे बताया कि 100 किलोमीटर तक चले जाओ, 150 किलोमीटर तक चले जाओ, आपको बसावट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। एक और बात, ये वीडियो शुरू होने से पहले कि मैं यहाँ के बाशिंदों से बात करूँगी, लोकल मुद्दे इनके जानूँगी, सब कुछ इनसे मैं खुल करके बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कैमरा इस तरफ लेके आइए आकाश, ये दिखाइए वो वाला जो आपको अगर वो दिख रहा होगा, वो पहाड़ी, वो वाला जो पहाड़ आपको दिख रहा है, वहाँ पर आपका आर्मी का पूरा जो है वहाँ पे कैंप लगा हुआ है पूरा वहाँ पे। वो जो दूर आपको बादलों के पीछे जो नज़र आ रहा है वहाँ पे, शायद पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, लेकिन वो वाली पहाड़ी के बारे में अगर आपको बताऊं तो वहाँ पे जाकर के जो है वो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हमारी हिफाजत करते हैं। उतनी ऊँचाई पर जाकर चोटियों पर रह करके जब मैं यहाँ पर आई तब मैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ को पहचान पा रही हूँ, खुद से सामने देख पा रही हूँ कि इतनी ऊँची रह इतने ऊँचे जगह पर वो लोग रह करके हम लोगों को हिफाजत से रखते हैं कि ताकि हम अपने घरों में आराम से सो पाएँ। एक बार उन सभी के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, उन सारे आर्मी ऑफिसर्स जो आप सभी को इतने, क्योंकि आप तो बहुत करीब हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, कुछ भी खतरा होगा सबसे पहले आपकी तरफ होगा, तो सबसे पहले आप क्या बोलना चाहोगे जो हमारे डिफेंस के जो लोग हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? दे आर द हाँ, वो रियल हीरोज़ हैं। हाँ। क्योंकि इट्स उनकी वजह से है कि जब वो बॉर्डर्स पे रात को रह पाते हैं तो हम सुख की नींद सोते हैं, हम आराम सुकून की नींद सो पाते हैं। अगर वो नहीं होंगे डेफिनेटली एनिमी विल कम इनसाइड और हमारा सोना जो है वो सोना नहीं रहेगा, दैट विल टर्न इन टू पैन। तो हम उनको वी गिव दम अ सल्यूट, हम अपने इन देश के हीरोज़ को, देश की सिपाहियों को सलाम करते हैं कि उनकी एफर्ट्स की वजह से जो बॉर्डर्स पे रहे हैं तो हम यहाँ पे सुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुख की ज़िंदगी, वो खुद इतनी ऊंची चोटी पे बैठ करके नीचे जितने भी लोग हैं उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं यही कहना चाहता हूँ फ़ौज के बारे में, तो हम अगर जितना भी कहें वो कम है, क्योंकि फ़ौज हमारी रात को जागती है, उनकी वजह से हम सोते हैं। सेकंड सोल्जर हम भी हैं उनके साथ, हम भी उनके साथ हेल्प करते हैं, लेकिन 100% वो भी हमारे साथ हर वक्त हेल्प करते हैं। तो आपने फ़ौज के बारे में इतनी अच्छी बात कही, लेकिन एक फ़ौज का एक नैरेटिव जो है वो कश्मीर के अंदर सेट करने का बहुत लोगों की तरफ से प्रयास होता है। वो कहते हैं जी कश्मीर के अंदर फ़ौज जो है आप कश्मीरियों को जीना बेहाल कर रही है, मतलब आप लोगों का जीना एक तरीके से दुश्वार कर रही है, क्या कहेंगे? मैं नहीं, आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे नैरेटिव यहाँ पे ये बनते हैं कि जो फौजी, जो यहाँ के जो फौजी हैं वो कश्मीरियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे रिसेंटली मैं कहूँगा, मेरे बिल्कुल पास में, मेरी नेबरहुड में एक जगह पे फायर इंसिडेंट हुआ। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स टाइम पे नहीं पहुँचे, एंड इट वाज़ द इंडियन आर्मी जिनके फायर एक्सटिंग्विशर्स टाइम पे आए एंड उन्होंने आग को बुझाया। सिमिलरली आप देखिए, हमारे, मैं कहूँगा मेरे इस उड़ी के इलाके में जहाँ पर भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं आग लगती है या और किसी तरह की ट्रेजडी हो जाती है नेचुरल, मुझे लगता है फ़ौज एक ऐसा है कि जो नंबर वन पे वहाँ पे आके रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती है। रही बात आपने जो क्वेश्चन कहा कि फ़ौज को लेकर लोगों के अंदर एक डर है, अगर आप एक एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जाहिर सी बात है दे हैव टू टेक एन एक्शन ना।
आप कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, एंटी नेशनल आप एलिमेंट हैं, आप एंटी नेशनल कोई काम कर रहे हैं, तो फौज उसके बारे में आपको एक्शन तो लेगी. फौज ही नहीं, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दे विल इनिशिएट एन एक्शन अगेंस्ट यू. रही बात, मुझे तो नहीं लगता है फौज हमें तंग कर रही है या हमें फौज की वजह से कोई डर है, बल्कि मुझे लगता है कि फौज ज़्यादा फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू पुलिस, जे एंड के पुलिस. क्या बात है, क्या बात बोली, आप सहमत हैं इस बात से जो ये बात कह रहे हैं? इन्होंने क्या बोला, मतलब इन्होंने बोला, ध्यान से सुनिए जो भी एक दूसरे की बात करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है. इन्होंने बोला कि फौज जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली है जे एंड के पुलिस से, वो हमारी तरह एक परिवार की तरह पेश आते हैं. हाँ मैम, इसके पहले भी हम कम से कम हज़ारों इंटरव्यू दे चुके हैं कि हम अपनी फौज को सलूट करते हैं और उनके जो रग रग में खून है वो एक जमहूरियत का खून है, तो हम सलूट करते हैं उस फौज को और ख़ासकर अपने हिंदुस्तान को. और जब भी इधर कभी आग लगती है, आपने देखा भी होगा मीडिया में, मैंने बहुत दफ़ा कहा कि वो बेचारे आधी रात बाल्टियाँ लेकर फायोसरोस नहीं, बाल्टियाँ लेकर, हालांकि उनका ये काम नहीं है, उनका ये काम नहीं है, हमारे देश के फौजी का बाल्टियां लेकर वो हमारी आग बुझाते हैं. क्या उनका ये फर्ज नहीं? उनका फर्ज है देश पर हिफाजत करनी, मगर वो हमारी हिफाजत भी, और ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, पुलिस का है, यहाँ की सरकार का है, मगर हमारी वो फौज आकर बाल्टियां में पानी लाकर हमारे मकानों की आग बुझाती है. क्या हम उनका इतना शुक्रिया गुजार करें को हमारे, वो तो शब्द ही नहीं है कि हम उनके ये बोलें. और हम सुखी है. और दूसरी बात हमारी ये, अब एक बात आपने ये बात बोली, लेकिन यहाँ के जो कुछ स्टेट लीडर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि जी आपने जम्मू कश्मीर को इतना आपने डिफेंस, इतना मिलिट्री फोर्स आपने यहाँ पे लगा दिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैदी महसूस करते हैं अपने आप को, कि हमें एक कमरे में ताला लगा कर छोड़ दिया गया है और हमारी पूरी जो उड़ान है उस पर पाबंदी लगा दी. इस पर क्या मैम, इस पर मैं बात ये करूँगा कि हम भी कश्मीर के रहने वाले हैं, अगर कोई गलत करेगा उसको उसका रिजल्ट गलत मिलेगा. आप तो बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं. हम बॉर्डर के पास हैं बिल्कुल. हालात भी जब ख़राब हुए तब भी हम ठीक रहे, हमारी फ़ौज हमारे साथ 100% देती है हमें, और फौज की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है, ना होनी भी चाहिए. 2005 में अर्थक्वेक आया, फौज ने जितना हमारा हेल्प किया कोई भी इधर नहीं, 3 दिन 5 दिन कोई नहीं पहुँचा, हमारा एक मकान भी यहाँ पर नहीं रह गया था, और हमारी फ़ौज ने हमारी पूरी हेल्प की है यहाँ पर. तो फिर अगर कोई गलत काम करता है फिर फौज उसको तंग करेगी या हमारी एजेंसियाँ तंग करेंगी, तो वो तंग करना बनता है क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए उसको थोड़ी छोड़ा जाएगा, उसके लिए उसको नहीं छोड़ा जाएगा. अगर आप लोकल कश्मीरियों का साथ है फौज को इस बात के लिए, फौज के हम इस बात पे फौज के साथ हैं क्यों, फौज हमारे साथ खड़ी रहती है 24 घंटे, हर वक्त हमें काम आती है, इसके हम फौज के साथ खड़े हैं हम. ठीक है, थोड़ा पीछे से भी लोग आगे आ जाए. थोड़ा मैं थोड़ा पॉलिटिक्स पे बात करूँगी कि आप लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है और आप लोगों को ज़रूरत से ज़रूरत पूरी किसने नहीं की है. सबसे पहले ज़रूरत क्या है? ज़रूरत मैम ये मैं बात ये करता हूँ कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं. एक तो हमारे मुल्क को उन्होंने बहुत ऊंची उड़ान पर ले गए. वो क्या क्या उड़ान पर मोदी जी लेकर, हमारा चांद पे हमारा नाम आ रहा है, हमारे हिंदुस्तान का आ रहा है, हमें गर्व हो रहा है हमारे हिंदुस्तान का नाम आ रहा है. इस वक्त G20 चल रहा है, हमारे जी बोर्डन जी आए हैं वहाँ, और बड़े बड़े मुल्कों के सब बड़े लोग आए हैं यहाँ पे, हमें फ़ख्र है इस बात का. फ़ख्र है इस बात का, तो उन लोगों को तो ये तमाचा भी होगा ना जो आज़ाद कश्मीर की बात करते थे, भारत में ना मिलने की बात करते थे, उन लोगों को तो ये तमाचा है आपके. ये उन लोगों का तो चलो क्या है क्या नहीं, अपनी अपनी सोच है हर एक की, लेकिन हमारी एक मोदी जी के आपके माध्यम से उनसे हमारी ये डिमांड है कि हम हमारे जितने भी लोकल यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, जैसे हमारे RDB के या हमारे फूड के या हमारे जितनी भी, ये हम लोगों के साथ हेल्प नहीं कर रही और लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं. ये बात तो ज़रूर नोट कीजिएगा, इनकी जो समस्या थी वो ज़रूर सुनिएगा. जैसे इन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश में एकदम पूरा बदलाव कर दिया, आप मानते हैं इस चीज़? बिल्कुल मैं मानता हूँ. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ 1987 से पहले कुछ ऐसे लोग थे जो अलगाववाद में उनसे नहीं कहूँगा, मतलब हुआ हैड अ डिफरेंट माइंड सेट, दे हैड डिफरेंट आइडियोलॉजी. वो चाहते थे, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें अलग कश्मीर चाहिए, वो आज़ादी थॉट के लोग, मतलब वो कश्मीर को आज़ाद बनाना चाहते थे. बिल्कुल, तो चूँकि आप सेपरेटिस्ट भी उनको कह सकते हैं, सेपरेटिस्ट जेल में है. नहीं, मैं आप सुनिए ना, लेट मी कम्प्लीट ना. तो उसका MUF हम उससे कहते हैं, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसके लीडर्स में यासीन मलिक जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, या शबीर शाह हैं, या सईद अली शाह गिलानी हैं, या इसी तरह सलाहुद्दीन
सईद सलाहुद्दीन हिजबुल कमांडर हु इज़ राइट नाउ इन पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर है, ये सारे ऐसे लोग थे हु वर द पार्ट ऑफ MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, और इन्होंने 1987 में J&K के इलेक्शंस में मेन स्ट्रीम में आए। पहले तो एक आइडियोलॉजी रखते थे, फिर इन्होंने 1987 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया इस नीयत से कि चलिए हम भी मेन स्ट्रीम में आके अपनी किस्मत आजमाई करते हैं, कश्मीर को अलग बनाएंगे, आज़ाद बनाएंगे। अलग नहीं, अलग की बात नहीं है, मतलब उन्होंने चाहे हम पॉलिटिक्स में आएंगे, हम जो चाहते हैं जब पॉलिटिक्स में आएंगे, जब इक्तदार में आएंगे, हम अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो NC ये नहीं चाहती थी, हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये नहीं चाहते थे। जब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो बाद में लगभग 15 से 17 लोग जीत रहे थे। जिस दिन काउंटिंग हुई, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होने वाला था असेंबली इलेक्शंस का, तो 17 पीपल वर विनिंग, और उन 17 को डिक्लेयर किया गया कि इन्होंने हारा। दिस इज़ कॉल्ड रिगिंग ऑफ इलेक्शन 1987, आप कहीं किताब से भी इसको देख सकते हैं। मतलब ये मोटा मोटी समझाइए, जैसे कि अब देखिए जैसे चालू हुआ कैमरा, पीछे से लोग भाग गए हैं। सुनिए आप मुझे मेरी बात समझाइए मुझे, क्योंकि लोग भी होंगे ना तो उनको भी समझने के लिए थोड़ा आसान। आप 87 की बात कर रहे हैं, उस समय वो जो आप पार्टी मुझे बता रहे हैं MUF, बता देता हूं। हाँ, 1987 की रिगिंग से कश्मीर में मिलिटेंसी आई। शॉर्ट में रिगिंग ऑफ 1987 इज द मेन कार्ड बिहाइंड द डिस्टर्बेंस ऑफ आवर स्टेट। हमारे 1,25,000 नौजवान कब्रिस्तान में है जिन्होंने इस देश, इस सरजमीन कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया। MUF क्या चाहता था? MUF चाहता था एक मतलब वो चाहते थे एक मुस्लिम, मतलब जहाँ पे हम इस्लामिक वो लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। जाहिर सी बात है, जब मतलब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था? नहीं, इस्लामिक स्टेट नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि जब हमारी मेजॉरिटी स्टेट असेंबली में आएगी तो हम अपनी चीज़ें भी सामने रख सकते हैं, हम अपनी चीज़ें सामने रख सकते हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम में न होकर नहीं एक्सेप्ट की जाती हैं। तो 1987 का इलेक्शन जो रिग हुआ उसकी वजह से मिलिटेंसी आई। आप बताएंगे कैसे? सही को यहाँ के लोग सपोर्ट करते थे? जी जी बिल्कुल, 87 में बिल्कुल। जमात इस्लामी, शायद हैव यू हर्ड अबाउट जमात इस्लामी, जमात इस्लामी की तरह ऐसे समझ लीजिए। तो 1987 में जो इलेक्शन रिग हुआ, सलाउद्दीन जो था, यूसुफ नाम था पहले उनका, तो इसीलिए हम कहते हैं यूसुफ को सलाउद्दीन बनाने वाला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब इनको भी डिक्लेयर किया गया कि ये अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं काउंटिंग के बाद, ही वेंट टू पाकिस्तान और वहाँ पे उसने हिजबुल मुजाहिदीन जमात बना दी, और फिर हिजबुल्ला के कितने सारे यहाँ पे मिलिटेंट्स आए। और हमारे मुझे ये बताइए ना भाई साहब, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने कौम के लिए एक अच्छी बात कर रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन देश में इसका हित था क्या? जो 97 की आप बात बता रहे हैं, 87 की, क्या वो जो MUF का जो भी मकसद था वो देश के हित में था? जो जब कोई मेन स्ट्रीम में आता है, दैट मीन्स अगर मैं मेन स्ट्रीम में आता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आता हूँ, कल को मुझे एक अच्छा पद मिलता है, आई हैव कश्मीर की हालत देख रहे हैं, कश्मीर नहीं पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं आज क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बद से बदतर हालत है बिल्कुल। उन्होंने अपने अपने देश का कायम किस पे रखा, अपनी देश की नींव किसको बनाई उन्होंने, किस चीज को बनाई? मैं नहीं समझा आप, मतलब हमारे देश की जो नींव है वो क्या है, हमारे देश की नींव क्या है, किस बिना पे हमारा देश टिका हुआ है? हमारा देश जो इसको टिका है अपनी ईमानदारी पर और जमहूरियत पर, दिस इज द राइट वर्ड, जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर। और जो पाकिस्तान है वो किस चीज पर टिका हुआ है? पाकिस्तान तो आप मुझे पूछ रहे हैं पाकिस्तान किस चीज़ पे टिका है, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। आप MUF की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो नेता बन सकता था वो पाकिस्तान में चला गया। यार इंडियन, व्हाई शुड वी टॉक अबाउट पाकिस्तान? और मैं एज ए कश्मीरी आई डोंट वांट पाकिस्तान। मैं जी जी नहीं, मेरे ये समझने का मतलब था, आपका क्वेश्चन थे ना, इनका ये कहने का मतलब है यहाँ फितने फसाद क्यों हुए, कश्मीर ऐसी क्यों रही, आज तक जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स हैं या बाकी चीज़ हैं, हिंदुस्तान से दूर इनको किया, या बोल रहे हैं कि अलग करेंगे, वो करेंगे, ये सब इस वजह से हुआ। 1987 जो इन ये बोल रहे हैं, ये इसी बेस तभी से शुरू हुई, तो आज जो हालात है, अब जब आज की जो गवर्नमेंट, आज का जो सिस्टम है वो इसको ठीक कर रही है, वो ठीक करने की कोशिश कर रही है, जो उस टाइम हुआ वो इस वजह से हुआ है। देखिए मुझे जो पिक्चर अभी तक क्लियर हो पा रही है, जो मैंने भाई साहब से बात की, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आप इस बात मुद्दे पे आपने मुझसे ऑफ कैमरा भी बात की थी। मैं एलिगेट कर रहा हूं रीजनल पार्टीज को, मैं इनकी इसलिए कहानी बता रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP वगैरह, आई एम जस्ट एलिगेटिंग देम, दे आर द पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर आवर डिस्ट्रक्शन, दे आर द पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर फिलिंग अप आवर ग्रेवयार्ड। 1,25,000 नौजवान कब्रिस्तान में, आप यहाँ का सेक्स रेशियो चेक कीजिए, सेक्स रेशियो देखिए आप बॉयज गर्ल्स में, यहाँ पे
इतने बॉयज़ बहुत कम हो गए हैं, लड़के वो कब्रिस्तानों में है, और ये फारूक साहब की देन है। हमें नहीं चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, दैट इज़ वाई वी आर इन फेवर ऑफ बीजेपी। हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार हो, लेकिन बीजेपी की आप वो जो MUF था उसके फेवर में है? MUF has no, वो तो खत्म हो गया, अब हम उसके फेवर उसका जो आइडियोलॉजी थी उसकी तो उसके फेवर में आप हैं? नहीं, मैं कैसे उसके आइडियोलॉजी में, व्हेन आई एम अ डेमोक्रेट, इफ आई एम लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं ये सुनना चाहूंगी डेमोक्रेटी वेयर आई एम गिविंग माय राइट्स, जहां मुझे राइट्स दी जा रही है, जहां मुझे एक फ्रीडम है, आई एम अवेलिंग द फ्रीडम, आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं आपके सामने बोल सकता हूं, आई एम फ्रीडम टू लिव अकॉर्डिंग टू माय रिलीजन, यू आर सेइंग आई हैव अ रिलीजियस आउटफिट, दिस ये मुझे एक मजहबी आज़ादी मुझे दी है ना हिंदुस्तान के आइन ने, अगर मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है तो वाई आई विल सपोर्ट दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फस एंड फन एवरीवेयर, जिनकी वजह से वायलेंस है, जिनकी वजह से हड़तालें हैं, जिनकी वजह से हमारे स्कूल बंद हैं 6-6 महीने, जिनकी वजह से रोज़ सवेरे हमें चेक करना पड़ता है, आज मत कैलेंडर आया है, आज इधर चलना है, आज उधर चलना है। कैलेंडर की कहानी क्या है? कैलेंडर की कहानी, हमारे कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स थे जिनके अपने घर के बच्चे तो इसके लिए कुर्बान नहीं हुए, उन्होंने आम लोगों को, आम बेचारे, मैं आपको कश्मीरी में एक वर्ड बोलता बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बोलूंगा अभी नहीं वो कहते हैं ना, नहीं बताऊंगा मैं, तो मैं आपको इसका इंस्टेड उर्दू में बता देता हूँ। उन्होंने दे जस्ट बी फूल्ड कॉमन कश्मीरीज, आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, खुद के उनके बच्चे आप चेक कर लीजिए, मैं किसी सेपरेटिस्ट लीडर का नाम नहीं लूँगा, आप यहाँ के जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर हैं उन सब का बैकग्राउंड चेक करिए, ना किसी का बेटा, ना भांजा, ना फुफेरा, ना ममेरा, जितने भी रिलेशन में आते हैं आप उनको बता दीजिए कि आप अपने रिलेशन में, खानदान में एक ऐसे आदमी को दिखाइए जिन्हें कश्मीर काज के लिए हुआ हैज़ बीन किल्ड फॉर कश्मीर काज विच यू कॉल फ्रीडम, दिखाइए आप इसके लिए आपने, हाँ अगर आप लोगों ने कुर्बानी दी है तो हम आपको फॉलो करेंगे। अगर आप लीडर खाली बोल के लीडर हैं, भाषण के लीडर हैं, कैलेंडर निकालने के लीडर हैं, स्कूल बंद रखवाने के लीडर हैं, मार्केट्स बंद रखवाने के लीडर हैं, देन वी विल नॉट फॉलो यू, हम फॉलो उस चीज़ को। ये चेतना कब से आई है, ये मतलब ये जो माइंड में ये जो आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया यहाँ के यूथ ने, मुझे लगता है आप तो पहले से ही ऐसा सोचते हो, पहले भी ऐसा सोचते थे, लेकिन जो यहाँ के जो यूथ ऐसा सोच रहे हैं, कब से ये लोग ऐसा सोचने लगे? तो 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने भैया ऐसा क्या यहाँ पे लोगों को पढ़ा दिया या फिर क्या बता दिया कि वो ये सोचना शुरू कर दिया? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे लगता है आई गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर मैं उस टाइम में कहता दे वुड पुट मी बिहाइंड द बार, मुझे ये फारूक साहब उठा के जेल में डाल देते, ये ऐसे लोग थे, ये अपने मुकाबले में किसी को इलेक्शन भी कौन, आप जहाँ पे खड़े हैं ना उड़ी में, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बादशाह था शफी साहब, उसका नाम है शफी साहब, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने 4 बार इलेक्शन लड़ा है, 35 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है, अब पिछली बार हार गए, फिर लकीली एक बार फिर से जीत के, लेकिन अब की बार नहीं जीतेंगे वो, क्योंकि अब की बार यहाँ मोदी वेव है, तो मोदी वेव, हाँ यस, कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ST मिलने वाला है ना, मैं कहूँगा मोदी वेव के पीछे एक कारण है, ये आप जो आसपास में बस्ती देख रहे हैं ना, ये सब पहाड़ी बस्ती है, क्योंकि इनको शेड्यूल ट्राइब मिलने जा रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने बिल को इंट्रोड्यूस किया, ST बिल को, फिर ड्यू टू सम रीजंस दैट हैज़ बीन कैप्ट ऑन अपहोल्ड, हो सकता है कहने में आता है कि विंटर सेशन में उसको पास कर दिया जाएगा, एंड दिस इज़ द एरिया विच विल बी बेनिफिटेड बाई ST बिल ये, और यहाँ के लोगों ने उनके साथ वादा, यहाँ अमित शाह जी आए भी थे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ उड़ी में आए थे, और लोगों ने बारामूला में आए थे, उनके साथ लोगों के उड़ी के लोगों ने वादा किया है आप हमें ST दे दो, हम आपको वोट देते हैं, और द पीपल ऑफ दिस एरिया हैव प्रोमिस्ड भारतीय जनता पार्टी आप हमारे हित में ST को पास करो, उड़ी की सीट हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। चलिए, ये आपने ST की बात कर ली, मतलब यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का जो इनको दर्जा है वो यहाँ के अगर लोगों को मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या पता प्रचंड बहुमत से जीते, ऐसा इन भाई साहब का कहना है। अब मैं जब देश की बात हो रही है, ये सवाल मैंने आपको वहाँ भी पूछा था, मैं यहाँ भी पूछती हूँ, पहले आप अपने आप को भारतीय कहते हैं कि पहले आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं? Will you allow me to mix both the words? I'm Indian Muslim. पहले भारतीय, फिर हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ मैं। तो पहले तो हिंदुस्तान आया। हाँ। हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। हाँ। तो पहले तो हिंदुस्तानी आया, मतलब तो आपने भारत आया। स्टैंड किया, मैं कहा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। ये थोड़ा सा क्या है ना, मैंने आपका, मैंने ये कमरे के अंदर पूछा था, तो ये थोड़ा सा, हाँ, लेट थिंक आई एम गोइंग सम इन सम फॉरेन कंट्री, मैं कनाडा जाता हूँ, तो मेरा इस, मैं थोड़ी ना मुसलमान से कुछ और चेंज हो जाऊँगा, आई एम स्टिल ए मुस्लिम ना, मैं वहाँ पर भी मुसलमान हूँ ना, तो मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, एंड आई एम प्राउड, मुझे फ़ख्र है मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ।
अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो मुझे 1250 रुपये का आटे का बैग मिलता जो मेरे अंदर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो शायद मुझे 250 रुपये का मिल्क का केजी लेना, यहाँ मुझे इंडिया में 40 रुपये का मिल रहा है। अगर मैं वहाँ का होता तो शायद मैं भी जहाँ प्राइम मिनिस्टर को सलाखों के पीछे धकेल दे, इमरान खान वॉज द PM ऑफ दैट कंट्री हैज़ बीन पुट बिहाइंड द बार्स ना। जिस कौम का ऐसा सत्यानाश हुआ हो वहाँ एक कामन इंसान की क्या आइडेंटिटी होगी, उसका क्या कामन प्रोटेक्शन है। सो आई एज अ कामन कश्मीरी डोंट वॉन्ट पाकिस्तान, इवन आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ दैट वेरी नेशन। नो डाउट देर आर मुस्लिम्स, हमारे सेंटिमेंट्स मिलते हैं, वो मुझे दुनिया के किसी भी, सऊदी अरेबिया में मुसलमान है, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर मेरे धर्म के लोग रहते हैं, वो एक हमारा एक रिलीजियस अटैचमेंट होता है, एक सेंटिमेंट हमारा मिलता है, बट दैट डजंट मीन कि आई वॉन्ट पाकिस्तान। I am fit in India and I am proud that I am Indian. I am proud. आप क्या कहेंगे? जो मैंने इनसे सवाल पूछा वही मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे देश के और किसी कोने में सवाल नहीं पूछना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कल शाम का जो कि मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती ऑन कैमरा, इसलिए मुझे यहाँ पे पूछना पड़ रहा है कि आप पहले भारतीय अपने आप को मानते हैं या पहले मुसलमान मानते हैं? हम इंडियन हैं, इंडियन मुसलमान हैं हम, हमें फ़ख्र है अपने आप पे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। पहले भारतीय या पहले मुसलमान, पहले कौम को रखेंगे या पहले अपने देश को रखेंगे? देश को भी रखेंगे, जो जो हमारा मुसलमान का जो वर्ड है हमारा मुसलमान जो है ये आला है, क्योंकि मुसलमान होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ। अलबत्ता हमारे लिए हमारा देश भी ज़रूरी है, देश भी ज़रूरी है। हाँ ठीक है। हम भाई साहब, हम भारत को पहले मानते हैं, हम भारतीय मानते हैं अपने आप को पहले, उसके बाद मुस्लिम। मुस्लिम तो हम हैं ही, हमें मुस्लिम और हिंदू या बाकी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है ना, हम यहाँ पर रहते हैं इसलिए हम भारतीय खुद को पहले मानते हैं, उसके बाद हम मुस्लिम तो हैं ही, उसके लिए कोई। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ, ताकत से मेरी बात रखना चाहता हूँ अपनी आगे। हम बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं, हमारे लोग बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ हैं, मैं वसूख से कहता हूँ, सब दाएँ बाएँ हमारे लोग खड़े हैं, लेकिन हमारी जो लोगों की मुश्किलें हैं इस वक्त, हमारे लोगों की ये हाल की जाएँ, आपकी वसाकत से मेरा जो मैसेज है ये मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लोग तो रहा है अब एसटी स्टेटस आप लोगों, हाँ एसटी स्टेटस का उन्होंने वादा किया है, हम भी इंशाल्लाह वादा करते हैं कि उनको हम डबल करके देंगे, सिंगल में नहीं देंगे, जब एसटी का हमें मिल जाएगा तो हम उनको वोट की सूरत में डबल करके देंगे। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कश्मीर से और कश्मीरी मुस्लिम पाकिस्तान एजुकेटेड मुस्लिम, हाँ पाकिस्तान बॉर्डर्स के करीब जो लोग हैं उनका आज हमने सुना वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में थी वो भी क्लियर हुई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमने पहले सुन रखी थी और क्या माइंडसेट है हमेशा से हमने भी जाना। देखिए एक बात बड़ी अजीब सी है, लोग उस पर बात भी करते हैं और लोगों के मुंह में वो लुकमा डालना चाहते हैं कि आप पहले भारतीय हैं या मुसलमान हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उस पर लोग घबरा जाते हैं। जो एज ए मुस्लिम है वो कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा शब्द ना निकाल दूं कि मेरी जो आइडेंटिटी है एज ए मुस्लिम वो कहीं ना जाती रहे, तो लोग वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। हकीकत यही है, और दूसरे बंदे ने सही कहा कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में मुसलमान तो हम हैं, और वो दर्जा हमसे कोई पहला या बाद वाली कोई नहीं छीन सकता, पहले और बाद वाली नहीं। और दूसरे जो घबरा जाते हैं, और वहां से लोगों को मौका मिल जाता है कि इन पे तनकीद करें, इन पे चढ़ाई कर दें, या देखें ये अपने जो देश को ही नहीं मानते, देश को ही नहीं अपने करते हैं, तो चीजें बड़ी अजीब सी हैं। हाँ, इस चीज का कई लोग गलत और नाजायज फायदा उठाते हैं एज ए पॉलिटिशियन, जैसे वो वैसी जैसे लोग हैं वो इसका गलत और नाजायज फायदा, अब्दुल्ला कह लें कश्मीर में, अब देखिए कितनी जबरदस्त बात की कि इनके दूर दूर तक किसी रिश्तेदार का भी फ्रीडम फाइटर्स में नाम नहीं है, हाँ, तो दूसरी तरफ ये लोगों के जीनों में ये गंद भर भर के और यहाँ पे लड़वाते रहे और मरवाते रहे, और वही गंद आज भी कश्मीर के कहीं कोना कुदरों में छुप कर वार कर रहा है और सामने नहीं। या तो आप इतने हिम्मत वाले हो, आई आ जाओ सामने, लड़ो सामने से आगे, और फिर तुम्हें दिखाए भारतीय सेना के तुम किस काबिल हो। लेकिन एक चीज आप देखें, गौर करेंगे, जो 1971 में हमारे यहाँ और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हुआ, यही वहाँ पे 87 में वहाँ पे किया गया, और उसका ये हम याद। और देखिए एक बात और मुझे यहाँ समझने को मिली कि यहाँ के ही रहने वाले लोग जब अपने नहीं मतलूबा मकासद हासिल कर सके तो वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से मिलिटेंसी का हिस्सा बन के वापस आते हैं और दहशतगर्दी करते हैं, और
कश्मीरी ही हैं और उनको आप वो लश्कर तैयबा में वो शामिल हो गए, उन्होंने तंजीम का हिस्सा लिया, ट्रेनिंग ली और फिर वापस आए और वहाँ पे आके सारे फाइटर जो है ना वो फाइटिंग करते रहे। लेकिन चीज ये देखिए कि जब एक काबिल बंदा अपने वोट के जरिए अपनी अवाम की हमायत के जरिए आगे आ रहा है और आप वहां पे उसका रास्ता रोक देते हो तो फिर वो क्या है, कोई ना कोई रास्ता तो वो ढूंढता ही है। जैसे आप देखें 1971 में बांग्लादेश जो बन गया था, तो देखिए जो हिस्सा था उनका बांग्लादेश जो बनने का, जो पाकिस्तान पे जो सियासत का हक था वो उनका था, मुजीबुर रहमान का था। जब उनको रास्ते से हटाया गया तो फिर ये होना पॉसिबल ही था। दूसरी तरफ इस बात को जानकर भी खुशी हुई कि वहाँ के लोग इस हद तक एजुकेटेड हैं, अपने राइट्स को समझते हैं और वो बताना चाहते हैं कि उनको क्या सोच रहे हैं, क्या और खुल के बता रहे हैं कि वो बीजेपी की क्यों हमायत कर रहे हैं। और अब हम देखिए 75 ईयर से ये मामला चल रहा है और 7-8 सालों में अगर बीजेपी ने वहाँ इतना बदलाव ला दिया लोगों के जहनों में तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट कहूँगा इसको कि वहाँ का जो आम नागरिक है वो इस हद तक इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि हमें कहाँ मिलना है, हमें क्या करना है, हमारे क्या हकूक हैं। और जो आम माइंडसेट था कश्मीर का कि यहाँ कोई ना आए, यहाँ कोई लैंड परचेज ना करे, यहाँ हम पे कब्जा हो जाएगा, हम मुश्किल में, नहीं, यहाँ पे तरक्की मेयारी तब ही आएगा जब आम नागरिक भी वहाँ जाके रहेंगे, कारोबार करेंगे और ज़्यादा वहाँ पे टूरिज़्म फैलेगा, लोगों को दूर दराज इलाकों तक भी सहूलियात और टूरिज़्म जाएगा तो लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये देख के हैरान हो गया था कि वो जितने भी उन भाइयों से उन्होंने गुफ्तगू की, उनके यानी कि गुफ्तगू का लहजा, उनका माइंड सेट देख के कि यार 12 किलोमीटर के आगे कह लो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बॉर्डर है और वो यानी कि इतनी दूर दराज इलाकों में तलीम पे इतना फोकस है कि वो देखो यार कितने वो पढ़े लिखे थे और कितना जी हमने तलीम का मियार यही रखा हमारा तलीम एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो वो हमें लगता है कि बहुत ही जबरदस्त है वहाँ पे, क्योंकि हमारी इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो खैर ये एक अलग तरह की बात है, और तरह चली जाएगी। पढ़े लिखे थे, बाशऊर थे, बहुत जबरदस्त बातचीत हुई और अच्छा लगा ये सारी चीजें सुन के। और जिस भाई ने हमें ये वीडियो सजेस्ट की थी उनका भी शुक्रिया कि ये वीडियो हमारी नज़रों से ओझल रही है। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए